सोनभद्र ओबरा थाना क्षेत्र के 1320 मेगावाट का निर्माण कर रही दुसान पावर ट्रेक की वेंडर कंपनी GDCL में कार्यरत ठेका मजदूर के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद दुसान में कार्य कर रहे मजदूरों ने थाना गेट पहुंचकर परियोजना जाने वाले मार्ग को जाम कर बवाल काटा। मजदूरों की मांग है कि मृतक के परिजन को मुआवजे के रूप में 1.5 लाख रुपए और घर के सदस्य को दुसान में नौकरी दी जाए। मजदूरों के बवाल को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बवाल कर रहे मजदूरों से पुलिस ने वार्ता करने की कोशिश की तो मजदूर मुआवजे की बात पर अड़े रहे। पुलिस ने दुसान और GDCL कंपनी के अधिकारी को बुलाकर वार्ता कराई, तब जाकर मजदूर शांत हुए। ओबरा थाना क्षेत्र के 1320 मेगावाट सी परियोजना का निर्माण कर रही दुसान पावर ट्रैक की वेंडर कंपनी GDCL में कार्यरत ठेका मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद दुसान में कार्य कर रहे मजदूरों ने थाना गेट पहुंचकर परियोजना जाने वाले मार्ग को जाम कर जमकर बवाल काटा। मजदूरों की मांग है कि मृतक के परिजन को मुआवजे के रूप में 1.5 लाख रुपए और घर के सदस्य को दुसान में नौकरी दी जाए। मजदूरों के बवाल को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बवाल कर रहे मजदूरों से पुलिस ने वार्ता करने की कोशिश की तो मजदूर मुआवजे की बात पर अड़े रहे। पुलिस ने दुसान और GDCL कंपनी के अधिकारी को बुलाकर वार्ता कराई, तब जाकर मजदूर शांत हुए। वहीं दुसान कंपनी में कार्य कर रहे मजदूरों का कहना है कि कंपनी मजदूरों को कम वेतन देती है, कंपनी एक्ट का कोई भी आदेश का पालन नहीं किया जाता है, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारी से करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। यदि कोई मजदूर कम वेतन मिलने की शिकायत करता है तो उस पर चोरी का इल्जाम लगा के उसे काम से निकाल दिया जाता है। बता दीजिए तो मेरा पर्चा CITU यूनियन से मंत्री हूँ। सर, सर आप ये आज जो धरना करने का मुख्य कारण क्या है? कल मजदूर का आकस्मिक मौत हो गया गर्मी के दौरान धूप लगने से, जिसका प्लांट में किसी भी तरह का व्यवस्था नहीं है, न पानी है, न खाने का सेड है, कुछ भी नहीं है, और टैंकर पानी नाले के लायक पिला रहे हैं, अपनी बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। ये सारा व्यवस्था हर मजदूरों के बीच में होना चाहिए, न सेफ्टी दे रहा है, मतलब कुछ भी नहीं दे रहा है। कल रात में इतना फोन किया दुकान वालों से, किसी ने फोन नहीं उठाया। हमारा यहाँ का जो निजी प्रशासन है, लोकल प्रशासन है, वो साथ दिया, जिसकी वजह से लाश सुरक्षित हम अपने साथ में रखे हुए हैं जो लोड़ी हॉस्पिटल में है। जी सर, जो मृतक कौन सा कंपनी में काम करता था? क्या सर, मृतक कौन सी कंपनी में काम करता था? वो लड़का GDCL में काम कर रहा था। GDCL के मालिक का नाम बताएंगे? ओ, GDCL मालिक नहीं, वो पाल जी है, पूरा नाम नहीं मालूम है, जो यहाँ के GM पाल जी है। जी GDCL का। सर आप लोग की मांग क्या है? मांग मेरा 15,000 रूपए हार्ड कैश कंपनी की तरफ से, और जो इंश्योरेंस का पैसा हो 5 लाख रुपया जो श्रम कानून के तरफ से मिलता हो DLC से, और यहाँ से लाश भेजने का, और 20,000 रुपये दाह संस्कार से अलग, और आपके दुकान में मृतक आश्रित को काम। सर क्या आपके सर कंपनी के मालिकों से बातचीत हुई कुछ? नहीं, कंपनी फोन नहीं उठाया, कंपनी अभी तक सामने नहीं आया है। कंपनी लाली पाप दे रहा है, अंदर आओ तो बात करेंगे, हम मजदूरों के बीच में बात करेंगे प्रशासन शासन के साथ। जब तक DLC नहीं आएगा, एक मिनट सुनिए, जब तक DLC नहीं आएगा और जब तक हमारे जिले के प्रशासन के लोग नहीं आएंगे, तब तक कोई समझौता हम नहीं करेंगे। चिट्ठी देते देते मैं पागल हो गया, मेरा बैग यहीं पे होगा, मैं कम से कम 17-18 हज़ार का चिट्ठी मैं भाई डाक भेजा हूँ, और हाथ से जो रिसीविंग कराया हूँ। आप पन्ना चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं, ये कोई सुनने वाला नहीं है। सर अगर कोई मांग पूरी नहीं की गई तो? नहीं, कुछ मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम स्ट्राइक पर रहेंगे, प्लांट में हमारा मजदूर नहीं जाएगा। इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, हम मजदूर साथ खड़े हैं।